हेलो हेलो, यस आई बेटा, ध्यान देना। सो क्या कहना बेटा इस क्वेश्चन का, देखो जरा। शालिनी ओज 26,000 टू आनंद, आनंद ड्रॉज अ बिल फॉर 21,000 ऑन शालिनी फॉर 3 मंथ। ओके, शालिनी ओस टू आनंद का मतलब होता है शालिनी डेटर है, आनंद क्रेडिटर है ना। अगर मैं आनंद हूं तो मुझे शालिनी से लेना है, अगर मैं शालिनी हूं तो मुझे आनंद को देना है। ये सर नो। सो शालिनी ओस टू आनंद या शालिनी ओज आनंद, आगे क्या बोला है? एंड रिसीव्ड द बैलेंस बाय क्रॉस चेक। ठीक है, टोटल कितना देना था? 26,000, उसमें से आनंद ने बिल कितने का ड्रॉ किया? 21,000 का। उसमें से आनंद ने बिल ड्रॉ किया 21,000 का। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो और ध्यान देना। सो 26,000 देना था शालिनी को, उसने 21,000 का बिल ड्रॉ किया है ना। शालिनी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, बचा कितना? 6,000 है ना, सॉरी 5,000। 26 में से 21 चले गए, बचा 5। 5,000 कैसे पे किया शालिनी ने? क्रॉस चेक की मदद से। आगे, द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न टू आनंद। ऑन द सेम डे आनंद एंडोर्स शालिनीज एक्सेप्टेंस टू विक्रम। किसके बुक में एंट्री पूछी है, सारे ट्रांजेक्शन दिए, ये समझ में आ गया। आनंद ने शालिनी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, शालिनी ने बिल एक्सेप्ट किया और आनंद को रिटर्न कर दिया। किसके बुक में एंट्री पूछी है? जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ आनंद एंड प्रिपेयर आनंद अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शालिनी। दो चीज ही पूछी है, आनंद के बुक में जर्नल एंट्री और शालिनी के बुक में आनंद का अकाउंट। चलो ठीक है, सबसे पहली वाली एंट्री क्या रहेगी बेटा, कोई मुझे बता सकता है? सबसे पहले तो क्या था, मतलब प्लीज ध्यान देना। अब हम आनंद है, किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं? आनंद के बुक में। अब हम लोग कौन है? आनंद। तो हमें शालिनी से पैसा लेना है, ऑलरेडी ये पुराना पैसा है, ऑलरेडी बोला हुआ है कि 26,000 ऑलरेडी लेना है। ये 26,000 का कोई एंट्री नहीं रहेगा, ये 26,000 का कोई एंट्री नहीं आने वाला है, राइट? ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात। सो ये तो ऑलरेडी पुराना वाला लेना था, क्लियर? सो आगे क्या बोला है? 21,000 का बिल एक्सेप्ट किया शालिनी ने, उसका एंट्री आएगा। सो शालिनी ने बिल एक्सेप्ट किया, ने हमारे पास बिल आ गया, हमने शालिनी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, उसने बिल एक्सेप्ट किया, हमारे पास आ गया बिल रिसीवेबल। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। और क्या बोला है? बैलेंस अमाउंट के लिए 21 का बिल एक्सेप्ट किया, बैलेंस कितना है? 5, उसके लिए चेक आ गया। सो टू शालिनी अकाउंट, टू शालिनी अकाउंट 26,000। ये एंट्री समझ में आई सभी को? लिखना है साथ साथ में, सिर्फ देखना नहीं है बेटा, ठीक है? लिखो सब लोग फटाफट से मेरे साथ साथ, लिखो बेटा, लिखना है अभी की अभी। आ जाओ, एक मिनट आओ सर, 27 में चलो आगे। डन, लिखा बेटा सभी ने? इन द बुक्स ऑफ आनंद जर्नल एंट्रीज, पहली एंट्री शालिनी से बिल आ गया, तो आप लिखोगे बिल रिसीवेबल बैंक अकाउंट डेबिट टू शालिनी। बैंक डेबिट क्यों किया? क्योंकि 26 लेना था, उसमें से 21 का बिल आया और 5,000 का चेक आया। आगे, द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न, द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न, है ना सर? ये लगेगा अपने को, क्या बोलते हैं उसको, चार्जिंग, हाँ चार्जर। चलो आगे ध्यान देना। ऑन द सेम डे आनंद एंडोर्स शालिनीज एक्सेप्टेंस टू विक्रम। शालिनी से जो बिल रिसीवेबल आया था विक्रम को दे दिया, बोलो एंट्री क्या रहेगा बेटा? विक्रम को दे दिया, विक्रम क्रेडिटर था,
क्रेडिटर को हमने बिल दिया। जब भी हम लोग क्रेडिटर को मनी और मनी वर्थ में कुछ देते हैं तो क्रेडिटर बढ़ते हैं कम होते हैं? कम होते हैं। क्रेडिटर को पैसा देना बाकी था, पैसे की जगह पे बिल दे दिया तो क्रेडिटर कम हो गया। क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करो, इसीलिए विक्रम अकाउंट डेबिट। क्या दिया? असेट दिया। असेट का नाम बिल रिसीवेबल, तो बिल रिसीवेबल को क्रेडिट करो। सो विक्रम टू बिल रिसीवेबल 2121 का हमने दे दिया, पेमेंट कर दिया उसको। डन। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो एक बार, एनीबडी। क्लियर? चलो बेटा आगे। ऑल सेट? एक को नहीं आ रहा है ना, ठीक है ना, उसको फोन ऑफ करके एक बार ऑन कर, बाकी 6 बच्चों को लाइव दिख रहा है। चलो आगे। उसके बाद ऑन ड्यू डेट विक्रम इन्फॉर्म आनंद दैट शालिनी डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस एंड नोटिंग चार्जेस 280 वर पेड। अरे रे रे रे, ड्यू डेट के दिन पता चला शालिनी ने, ड्यू डेट के दिन पता चला शालिनी ने वो बिल डिसऑनर कर दिया। ड्यू डेट के दिन क्या पता चला? शालिनी ने वो बिल डिसऑनर कर दिया। अब बताओ क्या करेंगे? जैसे ही शालिनी ने बिल डिसऑनर कर दिया, अब विक्रम हमारा फिर से क्या बन गया? क्रेडिटर। विक्रम हमारा फिर से क्या बन गया बेटा? क्रेडिटर। यस और नो? सो अब मैं विक्रम को बोलूंगा, सॉरी भाई तू मेरा फिर से क्रेडिटर बन गया। क्रेडिटर बढ़ गए, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। सो टू विक्रम, और मैं शालिनी की तरफ गुस्से से देख रहा हूं, तूने क्यों डिसऑनर किया? तेरी वजह से मेरे क्रेडिटर बढ़े, अब मुझे तुझसे पैसे लेना है। सो मुझे शालिनी से कितना लेना है? जितना विक्रम को देना है। विक्रम को कितना देना है? 21,000 का बिल प्लस 280 नोटिंग चार्जेस। वो तो विक्रम ने पे किए, विक्रम तो हमसे वसूल करेगा, और हम किससे वसूल करेंगे? शालिनी से। सो शालिनी अकाउंट डेबिट 21, प्लीज ध्यान देना बेटा, 21,280 और टू विक्रम। बरोबर? क्लियर है? एक सेकेंड। हाँ क्लियर सर। ये करो फिर से ऑन करना एक बार। हाँ, कुछ बच्चों को डिसकनेक्शन आ रहा होगा। यस, इधर भी नोटिफिकेशन आता है, रेन के कारण आ रहा है बेटा। तो जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उनको बीच बीच में डिस्कनेक्ट जो हो रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ मौसम। हाँ ठीक है, दिख रहा है बेटा सभी को? डन। चलो आगे। उसके बाद आगे देखो और क्या बोला है। एंड आनंद देन ड्रू अ न्यू बिल फॉर 1 month ऑन शालिनी इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑफ 650। सो अब शालिनी से कितना लेना था? 21,000 बिल का, नोटिंग चार्जेस 280 का और इंटरेस्ट का 650। सो नए बिल का अमाउंट क्या रहेगा? बोलो बेटा, नए बिल का अमाउंट क्या रहेगा बताना? 21,600 और ये 200, 800 और ये 930। 21,930 ये न्यू बिल का अमाउंट रहेगा। बराबर है क्या? आनंद ने यानी हमने शालिनी के ऊपर नया बिल ड्रॉ किया। नया बिल कितने का था? बिल पुराना बिल प्लस नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारी कमाई हो गई। सो देखो अब ध्यान देना। सो न्यू बिल रिसीवेबल आ गया हमारे पास, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट पहले शालिनी से लेना है, ऐसा दिखा दो। इंटरेस्ट लेना है ना शालिनी से? हम ये दोनों एंट्री मर्ज भी कर सकते हैं, अलग अलग दिखाना, अलग अलग। सर इंटरेस्ट क्यों लेना है? बोला है ना क्वेश्चन में शालिनी बोल रही है नया बिल ड्रॉ करो, तो हमने बोला ठीक है नया बिल तो लेट डे की पैसा, लेट डे की तो मैं तुझसे 650 का इंटरेस्ट लेने वाला हूं।
तो मेरे लिए इंटरेस्ट इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस, इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करो। सो देखो, और वो किससे लेना है? शालिनी से। जब कभी भी किसी पार्टी या पर्सन से कुछ लेना है तो उस पार्टी या पर्सन को क्या करो? डेबिट करो। उस पार्टी या पर्सन को क्या करो? डेबिट करो। तो शालिनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। सो शालिनी से पहले लेना था 21,280, उसके बाद फिर से डेबिट किया 650, टोटल हो गया आपका 21,930। सो टोटल 21,930 का हमने नया बिल ले लिया क्या? सो न्यू बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शालिनी, बरोबर? क्लियर? पक्की बात? हर एक चीज क्वेश्चन में दी है, बिल रिसीवेबल टू शालिनी टू इंटरेस्ट। ऐसा भी कर सकते हैं, देखो कंबाइन एंट्री, बिल रिसीवेबल टू शालिनी टू इंटरेस्ट, बिल रिसीवेबल 21,930, इंटरेस्ट 650, शालिनी 21 कितना आ रहा था, जो भी था अपना 280। सो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 21,930, शालिनी अकाउंट क्रेडिट 21,280 टू इंटरेस्ट 650। या तो अलग अलग करो या तो मर्ज कर दो। ये 21,280 और ये 650 है, ये मर्ज वाली एंट्री, बरोबर? चलो आगे, किसी को डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो बेटा, बरोबर? ऑल सेट, आगे बढ़ते। ऑन द ड्यू डेट शालिनी ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस बाय द चेक। ड्यू डेट के दिन उसका जो भी बिल था, वो नया वाला 21,930 का, उसका पैसा आ गया, ऑनर्ड, खत्म। ऑनर्ड बोला है ना, लास्ट सेंटेंस देखना क्वेश्चन का, ऑनर मतलब पैसा आ गया, राइट? चलो आगे। नहीं, बिल्स पेबल डेबिट में कभी नहीं आता। तू मेरे को सिचुएशन बता तो मैं बताता डेबिट आता कि क्रेडिट आता है। बोल सिचुएशन बोल। पेबल हमने एक्सेप्ट किया के पे किया? पे किया। तो बिल पेबल ये लाइबिलिटी पे करने से बढ़ती है कम होती? लाइबिलिटी पे करने से कम होती। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस कम होता है तो डेबिट करो। तो बिल पेबल का पेमेंट किया तो बिल पेबल क्या होगा? डेबिट होगा। बिल पेबल का पेमेंट किया तो बिल पेबल क्या होगा? डेबिट होगा। और बिल पेबल एक्सेप्ट किया तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है, और लाइबिलिटी बढ़ती तो उस समय बिल पेबल क्रेडिट होता है ना? चलो आगे। अब शालिनी के बुक में आनंद का अकाउंट बनाने बोला है। आनंद को ऑलरेडी कितना देना था? 26,000 लिखा था ना क्वेश्चन में, आनंद को ऑलरेडी 26 देना था। ऑलरेडी देना था मतलब वो ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन 26,000, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉड डाउन क्लियर? चलो आगे, सब लोग साथ में ना, आ जाओ, उसके बाद आगे बढ़ते। देन नेक्स्ट, ये लिख दिया। अब हमने बिल एक्सेप्ट किया था, अब किसके बुक में है? शालिनी के बुक में। शालिनी कौन है? ड्रॉई। शालिनी कौन है? ड्रॉई। तो ड्रॉई ने बिल एक्सेप्ट किया, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। शालिनी ने बिल एक्सेप्ट किया किसके लिए? आनंद के लिए। देखो तो जरा, शालिनी ने बिल किसके लिए एक्सेप्ट किया? आनंद के लिए। देखो कितने का बिल एक्सेप्ट किया? 21,000 का। सो टू बिल पेबल 21,000, और चेक से पेमेंट किया क्या? टू बैंक 5,000, और बिल एक्सेप्ट किया आनंद के लिए। सो आनंद अकाउंट डेबिट 26,000। शालिनी ऐसी एंट्री पास करेगी ना, बरोबर? लिखा है ना क्वेश्चन में। अब आनंद के अकाउंट में पोस्टिंग कर दो इसको। आनंद के डेबिट में जाओ और लिखो टू बिल पेबल टू बैंक। आनंद के डेबिट में जाओ और लिखो टू बिल पेबल टू बैंक। चेक करो। हाँ, आनंद के डेबिट में जाओ
लिखो टू बिल पेएबल और टू बैंक, लिख दिया, डन। चलो आगे, आगे का पढ़ू क्वेश्चन। उसके बाद आगे और क्या दिया है मुन्ना, ध्यान देना। सेम क्वेश्चन हम लोगों को शालिनी के बुक में सॉल्व करना है। आ जाओ सुमन्ना, प्लीज ध्यान दे दो। शालिनी को ऑलरेडी देना था, इसका हमने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया। आनंद ने बिल ड्रॉ किया, शालिनी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, इसका भी आंसर हमने लिख लिया। 5000 का क्रॉस चेक दे दिया, ये भी हमने लिख दिया। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न, ये तो हमने ले लिया, बिल ड्यूली एक्सेप्टेड एंड रिटर्न। नाउ ऑन द सेम डे आनंद एंडोर्स द शालिनी एक्सेप्टेंस, आनंद एंडोर्स द शालिनी एक्सेप्टेंस टू विक्रम, इसका एंट्री शालिनी के बुक में क्या आएगा बोलो। ये शालिनी ने बिल एक्सेप्ट किया आनंद के लिए, बिल किसके पास है, आनंद के पास। अब आनंद उस बिल को पका के खा जाए, फाड़ दे कि एंडोर्स कर दे, शालिनी के बुक में नो एंट्री, बराबर है क्या? तो शालिनी के बुक में इसका नो एंट्री, इन शालिनी बुक्स, बरोबर है क्या? समझा ना, पक्का समझा? चलो आगे बढ़ते। उसके बाद ध्यान दे दो, ऑन ड्यू डेट विक्रम इन्फॉर्म आनंद डेट शालिनी डिसऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस एंड नोटिंग चार्जेस 280 वर पेड। बिल डिसऑनर हो गया, शालिनी का बिल पेएबल डिसऑनर हो गया, शालिनी का बिल पेबल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। सो शालिनी अब लिखेगी बिल पेबल अकाउंट विल बी डेबिटेड, बरोबर है क्या, टू आनंद, आनंद को दिया था ना हमने, बरोबर है, बिल विक्रम के पास था। लेकिन हम विक्रम को पैसा देंगे या हम आनंद को देंगे, हम तो आनंद को देंगे, बरोबर है क्या? ध्यान देना मुन्ना, प्लीज ध्यान दे दे। जैसे मुन्ना देखो, ध्यान देना, आपको समझाने के लिए देख बेटा। आनंद ने शालिनी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, शालिनी ने इसको बिल दे दिया, वो बिल इसने विक्रम को दे दिया। ड्यू डेट के दिन जब विक्रम इसके पास गया तो बिल डिसऑनर हो गया। अब जैसे बिल डिसऑनर हो गया, विक्रम आके आनंद को क्या बोलेगा, भैया बिल का पैसा नहीं मिला। आनंद उसके बुक में लिखेगा ठीक है मैं शालिनी से वसूल करूंगा, शालिनी अकाउंट डेबिट टू विक्रम 21280 और 21280। ये समझा क्या? आनंद के बुक में अब आनंद ने शालिनी से लिए ना पैसे, लेना है, लेने वाला है, तो शालिनी आनंद की फिर से डेटर बन गई, शालिनी आनंद की फिर से डेटर बन गई। और शालिनी आनंद को बोलेगी हाँ ठीक है तो मेरा क्रेडिटर बन गया तू आनंद। आनंद ने बोला मुझे 21280 लेना है तेरे से, शालिनी बोल रही ठीक है, विक्रम का शालिनी का क्या संबंध, यस और नो। और बिल पेएबल इसकी लायबिलिटी कितने की थी शालिनी की, शालिनी के बुक में बिल पेएबल नाम की लायबिलिटी कितने की थी 21 की। और नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली किसका खर्चा है, सवाल, नोटिंग चार्जेस किसका खर्चा है, सवाल, जवाब, जिसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ उसका खर्चा है, सवाल, किसकी वजह से बिल डिसऑनर हुआ, जवाब, शालिनी की वजह से। तो नोटिंग चार्जेस नाम के खर्चे का अकाउंट कौन बनाएगा, शालिनी, तो शालिनी ने अकाउंट बना लिया। ड्रॉई ही हमेशा नोटिंग चार्जेस का अकाउंट बनाता है, ड्रॉवर नहीं, होल्डर नहीं, यस और नो, क्लियर। सो ये एंट्री अभी हम लोग किसकी बुक देख रहे हैं, विक्रम आनंद के, शालिनी शालू, तो शालू के बुक में एंट्री आएगी क्या, आनंद के क्रेडिट में बाय बिल पेबल बाय इनोडिंग चार्जेस, आनंद के बुक के आनंद अकाउंट में, आनंद के क्रेडिट में, आनंद के क्रेडिट में बाय बिल पेबल बाय नोटिंग चार्जेस, आया क्या, समझा सभी को, क्लियर है? उसके बाद आगे
और आगे बोला है इंटरेस्ट कितना है 650, आगे क्या बोला इंटरेस्ट कितना है 650, ये भी कौन बेयर करेगा, शालिनी। आनंद ने इंटरेस्ट लिया ना हमसे, लेने वाला है तो हमें देना है उसको इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है। इसकी एंट्री क्या रहेगी, शालू के लिए इंटरेस्ट खर्चा है, किसको देना है आनंद को 650, 650। यस और नो, ये बात समझ आई सभी को, सो कर दो इसकी एंट्री बाय इंटरेस्ट टू आनंद, दैट्स इट, गेम ओवर। नया बिल उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो न्यू बिल। ठीक है क्या, न्यू बिल कितने का एक्सेप्ट किया उसने, 21,930 बिल एक्सेप्ट किया आनंद के लिए, तो आनंद अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल 21,930, 21,930, 21,930, 21,930। डन, लिखा बेटा सभी ने, सिंपल है। नरेशन क्या लिखेंगे, न्यू बिल एक्सेप्टेड, नरेशन क्या लिखेंगे बेटा, न्यू बिल एक्सेप्टेड। डन, सिंपल है क्या, एक बार देखो मुन्ना, प्लीज ध्यान देना, जो बच्चों को समझा नहीं एक बार आ जाओ, प्लीज ध्यान दे दो, देख तो जरा। देखो पहले किस्सा बताता हूं, स्टोरी क्या थी, ऑलरेडी ऑलरेडी आनंद को शालिनी से लेना था, होगा दोनों का भूतकाल में कोई ट्रांजेक्शन, कितना लेना था, बरोबर है क्या, यस और तो आनंद के बुक में शालिनी का अकाउंट अगर बनाऊं, ध्यान देना, हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ लिया आनंद के बुक में शालिनी का अकाउंट, और शालिनी के बुक में किसका अकाउंट बनाऊंगा मैं, आनंद का, बरोबर है क्या। सो पहले आनंद के बुक में देख लेते हैं, पहले किसके बुक की बात चल रही है, आनंद की, ठीक है प्लीज सब लोग ध्यान देना, पहले किसके बुक की बात चल रही है, आनंद के। सो आनंद के बुक्स ऑफ अकाउंट में शालिनी का अकाउंट, बरोबर, बोलो शालिनी से ऑलरेडी कितना लेना था, लेना था मतलब शालिनी हमारी क्या थी, डेटर, जब भी कोई पार्टी या पर्सन मेरा डेटर है ऑलरेडी उससे लेना है, अभी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ऑलरेडी पहले का लेना है, मतलब ओपनिंग बैलेंस है पुराना जो लेना था वो स्प्रेड में ओपनिंग में लिखो, डेटर का डेबिट बैलेंस, सो ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट में, सो इधर लिखूंगा डेबिट साइड में टू ओपनिंग बैलेंस, कितना लेना था बेटा 26,000, सही है क्या। चलो आगे, फिर शालिनी बोली कि सर एक काम करो मेरे पास पैसा नहीं है, 5,000 ही है, 5,000 देती हूँ, बचे हुए का बिल ले लो। आनंद ने बोला ओके, तो आनंद ने शालिनी के ऊपर क्या ड्रॉ किया, बिल, आनंद ने शालिनी के ऊपर क्या ड्रॉ किया बेटा, बिल, यस और नो, क्लियर है, कूल नहीं हो रहा है क्या रे, हाँ ठीक है, आ जाओ। सो ऑलरेडी लेना था 26,000, यस और नो, सो मैंने लिख दिया शालिनी का डेबिट बैलेंस 26,000, फिर शालिनी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, हमारे पास क्या आया आनंद के पास, बिल रिसीवेबल, किससे आया, शालिनी से, सो बाय बिल रिसीवेबल, कितने का बिल आया 26, बचे हुए का क्या दिया, चेक, सो बाय बैंक टू शालिनी, बरोबर है क्या। अब हमने वो बिल दे दिया किसको, विक्रम को,
उसका हमारे बुक में एंट्री आएगा, लेकिन हमारे बुक में जो शालिनी का अकाउंट है उसमें थोड़ी एंट्री आएगा। हमने बिल विक्रम को दे दिया, विक्रम टू बिल रिसीवेबल, ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर हो गया। अब मुझे विक्रम को कितना देना है? शालिनी ने बिल का पैसा नहीं दिया तो विक्रम तो मेरे छाती पे आएगा ना, विक्रम को बिल मैंने दिया था, तो मुझे विक्रम को कितना देना है? 21,280। और ये पूरा का पूरा मैं किससे लेने वाला हूँ? अब ये अकाउंट हमें बनाने बोला ही नहीं है, लेकिन मैं शालिनी से लूंगा ना, तो शालिनी अकाउंट डेबिट टू विक्रम अकाउंट 21,280। यस और नो? विक्रम अकाउंट बनाने बोला थोड़ी। चलो आगे। प्लस शालिनी बोल रही है नया बिल ड्रॉ कर दो मेरे ऊपर 21,280 का प्लस 650 का इंटरेस्ट। मैंने बोला ओके, टोटल नया बिल हो गया 21,930, 650 का इंटरेस्ट भी शालिनी से लेना है, तो शालिनी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। और शालिनी ने नया बिल कितने का एक्सेप्ट किया? 21,280 प्लस इंटरेस्ट, टोटल कितना हो गया? शालिनी से बिल आ गया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शालिनी, बरोबर है क्या? और ड्यू डेट के दिन शालिनी ने उसका पैसा दे दिया बिल रिसीवेबल का, तो एंट्री क्या रहेगी? बिल रिसीवेबल बैंक अकाउंट डेबिट टू टू बिल रिसीवेबल 21,930, 21,930। इसका एंट्री शालिनी के अकाउंट में आएगा क्या यहाँ पे? नो। कहीं शालिनी अकाउंट बना उस एंट्री में? बिल का पैसा है ना। यस और नो? क्लियर है? पक्का? ये अकाउंट टैली हो गया, चेक कर लो, ये अकाउंट टैली है। क्लियर? अब शालिनी के बुक में आनंद का अकाउंट, शालिनी बोल रही है आनंद आप मेरे क्रेडिटर हो 26,000। आनंद के लिए हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया, आनंद को हमने पेमेंट कर दिया। यस और नो? आनंद को हमें इंटरेस्ट देना है, बिल कैंसल हो गया बाय बिल पेएबल, इंटरेस्ट देना है, नोटिंग चार्जेस भी देना है आनंद को, और उसके लिए नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। चेक कर लो, ये भी अकाउंट टैली हो गया। सिंपल है? पक्का? कोई एंट्री में अगर डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो, एनी बड़ी। बोल मुन्ना, कोई एंट्री वापस एक बार क्वेश्चन देखो और मुझे एक बार पूछो, अगर कोई एंट्री में डाउट है तो प्लीज एक बार प्लीज क्वेश्चन देखो। सर आपने ऐसा क्यों, आपको कैसे समझा, इसके बाद ये करना है, सारी चीजें क्वेश्चन में दी होती है, वहीं से हम लोग करते बेटा। किससे किससे? हाँ क्योंकि हमारे वो टीचर वाले एंट्रीज में लिखा है कि हमने परचेज किया तो फिर उसका अकाउंट। एक बच्ची बोल रही सर वो परचेज सेल की एंट्री करना है क्या? करना है, अगर प्रश्न में दिया है तो, इस प्रश्न में दिया है तो नहीं करेंगे, दिया है तो करेंगे। और बताओ बेटा, पक्का? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो, देख बेटा ध्यान देना,
हाँ बेटा, हाँ बेटा, हमारे साइड चलेगा। हाँ यस सर, टीचर गुरु पूर्णिमा के लिए बच्चों ने विशेष दे दी सर हमको अच्छी। बर्गर खाए बच्चों ने एक बार? सर यहीं पे स्विगी से ऑर्डर किया था। क्या बोले सर? सर एक 8 से 7 मिनट सर। नहीं 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 चल रहा है, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा 5 मिनट हो गया, 5 मिनट सर। एक सेकेंड है बच्चों, टच नहीं काम कर रहा है इसका। रोहित, रोहित इसका वीडियो ले ले बस। गाइस एक सेकेंड है, ये टच काम नहीं कर रहा, वो वीडियो ले ले इसका। ठीक है, टच भी काम नहीं कर रहा और पेन भी नहीं काम कर रहा है। ठीक है, लिया वीडियो? ठीक है, बाकी ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, कीबोर्ड चल रहा है, टच काम नहीं कर रहा है। अभी तक कर रहा था वीडियो निकल, अभी तक कर रहा था। ठीक है, वापस निकाल ले, है ना? चलो अच्छा बच्चों सुनो बेटा। ना वो समझ नहीं आ रहा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमने किया ना अभी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 ट्राई करना है, आज के आज ही ट्राई करना है। ठीक है, 9, 10, 11 आज के ट्राई करना। 9, 10 यहीं पे ट्राई कर लो भले, 9 यहीं पे ट्राई करो, 10, 11 घर पे ट्राई कर लेना। ठीक है, मैं यहीं रोक रहा हूँ बेटा अभी लेक्चर।